मित्रों, छत्तीसगढ़ रहस्य और रोमांच का गढ़ है और इसका जो प्राचीनतम इतिहास है बड़ा ही गौरवमयी रहा है। 1 नवंबर सन 2000 को वह यह मध्य प्रदेश से अलग हुआ। हम लोग उस समय जब अविभाजित मध्य प्रदेश था, जो पढ़ाई करते थे, तो बहुत से छत्तीसगढ़ के स्थलों के बारे में जानकारी किताबों के माध्यम से प्राप्त होती थी। हम अभी जहाँ पर हैं, यह है छत्तीसगढ़ प्रांत के महासमुंद जिले में स्थित सिरपुर नामक स्थल। और सिरपुर का जो नाम है वो श्रीपुर से सिरपुर बना है, वो अपभ्रंश है। समृद्ध की राजधानी, श्री माने वैभव, लक्ष्मी, समृद्ध की राजधानी। तो सिरपुर एक अंतर सांस्कृतिक संगम स्थल रहा है। लक्ष्मण मंदिर इससे कुछ ही दूरी पर, लाल ईंटों से 6वीं शताब्दी में निर्मित। यहाँ पर अभी हम जहाँ खड़े हैं, यह है तीवर देव बौद्ध विहार। तीवर देव यहाँ के स्थानीय राजा थे। और यह भी जो बौद्ध विहार निर्मित है, ये ईसा पूर्व 2री-3री शताब्दी का है, ऐसा बताया जाता है। देखिए, जो बुद्ध धर्म हमारे देश में आया, चूँकि 3 धर्म हमारे देश के हैं बड़े धर्म, जिसमें हिंदू, सनातन, बौद्ध, जैन, उसके बाद सिख पंथ। तो बौद्ध धर्म में 3 बातें महत्वपूर्ण थी। पहला था बुद्ध, दूसरा धम्म, तीसरा संघ। तो बुद्ध मतलब इनलाइटमेंट, संघ मतलब हो गया धम्म, मतलब हो गया धर्म, और संघ मतलब हो गया जब हम मॉन्टेस्टिक उसमें चले जाते हैं, संन्यास ग्रहण कर लेते हैं, परिव्राजक हो जाते हैं, तो हम फिर संघ में जाते हैं, जिसे बाद में बिहार कहा गया, बौद्ध बिहार। तीवर देव बौद्ध बिहार के बारे में बताते हैं कि ये बड़ा बिहार था। और इसमें तो अवदान शतक जो ग्रंथ है बौद्धों का, हमने जो पढ़ा कि अवदान शतक में लिखा है, महात्मा बुद्ध भी यहाँ आए थे। और निश्चित तौर पर बुद्ध जी आए थे कि नहीं, ये तो खोज का विषय है। लेकिन नागार्जुन जो प्रसिद्ध दार्शनिक थे, जो विदर्भ के ब्राह्मण थे और वो ब्राह्मण से बौद्ध हुए थे, बड़े ही दार्शनिक थे, उनका सिद्धांत है शून्यता का सिद्धांत, सब वस्तुएं शून्य से निकली हैं। तो नागार्जुन यहाँ जरूर आए थे, नागार्जुन ने यहाँ शिक्षा लोगों की दी थी, बड़े आचार्य थे। आइए हम लोग समझते हैं इस तीवर देव बौद्ध विहार के संबंध में। यहाँ पर आइए, और हमारे साथ हैं हमारे रात्रे जी, यहाँ की डिटेल और बताए यहाँ के बारे में बताएंगे। रात्रे जी, ये जो हम लोग देख रहे हैं बौद्ध विहार, बौद्ध विहार, इसमें इसका जो विस्तृत स्थल है, भगवान बुद्ध की मूर्ति है, ये वास्तव में ये महायान बौद्ध धर्म, महायान में जहाँ मूर्तियाँ आईं, ये कनिष्क के बाद आया। महायान मतलब बड़ी नौका, लार्जर व्हीकल। हीनयान में चूँकि मूर्तियाँ वो प्रतिबंधित थी कर्मकांड, लेकिन महायान ने थोड़ा सा क्या किया कि अपने आप को बड़ा किया, थोड़ा उदार बनाया। तो महायान बौद्ध धर्म के सब अवशेष हैं यहाँ पर। आप रात्रि जी, आप बताइए यहाँ के बारे में क्या क्या जानकारी आपके पास है। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, साथ ही आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं संक्षेप में बताना चाहूँगा सिरपुर की ये जो कहानी है। चलते चलते बात करते हैं। ओके सर, बताते अभी हम जहाँ खड़े हैं उस स्थान को तीवर देव बौद्ध विहार के नाम से जाना जाता है। और ये जो बौद्ध विहार है, गांव के ठीक बीचों बीच स्थित है। और इसका उत्खनन एक खुदाई में मिला हुआ है, ये बौद्ध विहार जो है इसका उत्खनन 2003 में हुआ है। खुदाई से पहले यहाँ पर बड़ा टीला हुआ करता था, टीले के ऊपर बड़े बड़े पेड़ हुआ करता था। तो इसका 2003 में उत्खनन हुआ है। अंदर में बहुत सारे छोटे छोटे कमरे हैं। हाँ, थोड़ा सा बताऊंगा सर कहानी के बारे में। अंदर में छोटे छोटे कमरे हैं, अभी हम लोग अंदर जाएंगे। वो कमरे जो है बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए थे प्राचीन काल में। माना जाता है कि ये जो तीवर देव बौद्ध विहार है, प्राचीन काल में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी हुआ करता था, शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए एक शिक्षा से संबंधित हम लोग पढ़े हैं 3री-4थी में कि पंचतंत्र की जातक कथा, मंकी एंड कोकोडाइल का। तो यहाँ पे देखिए शिक्षा से संबंधित ये मगर एवं बंदर की कहानी को दिखाया गया है। देख सकते हैं ये जो कहानी है नदी में बनता है, नदी या तालाब में, और जो मगर है उसको धोखे से ले जा रहा है उसका हाट खाने के लिए, क्योंकि ये शिक्षा का केंद्र है, इस कारण से हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कहानी। दूसरी पंचतंत्र की कहानी हम लोग पढ़े हैं, बगुला एन एवं केकड़े की कहानी। यहाँ पर देखिए, ये देख सकते हैं आप लेफ्ट साइड में, बगुला जो है अपने चोट से पकड़ा हुआ है केकड़े को। बगुले का जो सिर है वो खंडित हो गया है, इसलिए स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आ रहा है।
लेकिन केकड़ा स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है। और देखिए वह मूर्तिकार ने कितनी चतुराई से ये आम का फल दिखाया है, क्योंकि ये जो कहानी है गर्मी में बनता है, तो गर्मी में कहानी बनता है तो बगुला बोलता है केकड़े से कि मैं तुम्हें सुरक्षित जगह लेके चलूँगा, तो वो खाने के लिए ले जा रहा है, उसको दिखाया गया है। यहाँ आप देखेंगे ये उल्लू है, उल्लू भी मतलब उसका विशेषता स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आ रहा है, ये उल्लू दिखाया गया है। और ये चूहों को देख सकते हैं, 6-7 चूहे एक दूसरे के कमर के पकड़ के ये जा रहे हैं। उसका जो मुख्य आहार है उल्लू का वो चूहा है, इसको यहाँ पे दिखाया गया है। इधर देखेंगे इस पैनल में तो ये रैम फाइट को दिखाया गया है, आप देख सकते हैं पीछे से उसके मास्टर्स उत्तेजित कर रहे हैं, आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। देख सकते हैं ये हाथ ऊपर किया हुआ है, और जब ये हार मानने लगता है तो उसकी वाइफ है और ये उसका मतलब हस्बैंड है, तो ये धक्का दे रहे हैं ताकि हमारा वाला जीत जाए। तो ये देख सकते हैं इसका आर्कोलॉजिकल एविडेंस भी मिला हुआ है, आयरन के हार नकवर मिला हुआ है जिसे प्राचीन काल में लोग सिंह में पहना करके लड़ाते थे। आइए एक छोटी सी मधुमक्खी का भी मैं आप लोगों को नक्काशी दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं ये मधुमक्खी है जो कि पुष्प का रसपान कर रही है। आप देखेंगे कि वो फूल पर बैठी हुई है, किस तरह से मतलब मधुरता से फूलों का रसपान कर रही है, उसको यहाँ पे दिखाया गया है। और तो और यहाँ पे सांप के द्वारा मेढक का शिकार करते हुए भी दिखाया गया है। आप देख सकते हैं सांप जो है बिल से निकला हुआ है, सांप का जो अगला हिस्सा जो है वो टूट गया है, लेकिन मेढक जो है पूरी तरह से पहचान में आ रहा है। सांप के द्वारा टांग को पकड़ करके अंदर खींचने की कोशिश कर रहा है सांप जो है, ये हंटिंग सीन को यहाँ पे दिखाया गया है। और ये हाउस फ्लाई को यहाँ पे दिखाया गया है। हाउस फ्लाई और मधुमक्खी दोनों में आप अंतर कर सकते हैं अभी भी। और यहाँ पे हाथियों का झुंड देख सकते हैं, हाथियों का छोटा झुंड को दिखाया गया है। प्राचीन काल में ये जो सिरपुर है ये घनी जंगलों से घिरा रहा होगा, और हाथी की जो संख्या है ये काफ़ी मात्रा में मतलब ज़्यादा हुआ करता था, और प्राचीन काल से लेकर अभी तक सिरपुर में यहाँ हाथी पाया जाता है, सिरपुर के जंगलों में जंगली हाथी पाया जाता है, और हाथी को मेटिंग करते हुए भी यहाँ पे ये दिखाया गया है। बात करें पहले की जो पहनावा ओढ़ावा की, आप देख सकते हैं ये आलिंगन रत कपल है, औरत के भारतीय प्राचीन भारतीय महिला के आप ड्रेस पर अगर नेक नज़र डालें तो उस समय देखिए किस तरह से फैंसी ड्रेस हुआ करती थी। ये देख सकते हैं आप उसके कमर पर कमर पट्टी लगी हुई है, और देखिए कमर पट्टी पर संकल लगी हुई है, और संकल के निचले हिस्से में ये छोटी घंटी है, जब महिलाएं चलती थी ये तो ये आवाज़ें करती थी, उसको यहाँ दिखाया गया है। तो देखिए किस तरह से मतलब जो प्राचीन जो परंपरा है उसको यहाँ पे दिखाया गया है। इसका पार्ट टू कर देते हैं तो ज़्यादा ठीक रहे।